नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय, चिन्मय गौड़, और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस लेसन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रामधुन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे लेसन को शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही रामधुन पर एक प्यारा सा कवर अपलोड किया था और उस पे आप सबका बहुत सारा प्यार मिला और बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई कि सर ये सिखा दो। तो मैंने कहा क्यों ना, मैंने जो भी बजाया उसके अंदर मैं आपको वो सब सिखा देता हूँ, है ना, जिस भी तकनीक मैंने यूज़ किया उसमें। मेरे पास फ़िलहाल ई बेस की फ्लूट है, आपके पास जो भी फ्लूट हो आप प्ले कर सकते हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो सेम सुर उस पर लगा सकते हो, बज जाएगा। शुरुआत में क्या करना है, अपनी बांसुरी को अच्छी तरीके से ट्यून ज़रूर कर लेना, नहीं तो वो मिठास नहीं आ पाएगी। और आप बोलोगे कि सर मिठास नहीं आ पा रही है, बांसुरी को ट्यून कैसे करना है, उस पर मेरा बहुत अच्छा लेसन है, दो लेसन है ना। एक तो नॉर्मल ट्यूनिंग कैसे करनी है, कैसे आपकी फ्लूट का स्केल पहचानना है, और एक तानपुरे के साथ कैसे ट्यून करना है। दोनों को देखना, समझना, प्रैक्टिस करते रहना और फिर इसे ट्राई करना या किसी और सॉन्ग को ट्राई करना। पसारे रे गे सा 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 प सा रे गे सा। मेरे फिंगर्स के मूवमेंट को देखना, जो एकदम बेसिक स्टूडेंट्स है वो मेन सीख लो, है ना, पहले बेसिक अच्छा कर लो, लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं वो मेरी फिंगर के मूवमेंट्स को देखो, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स। प सा रे रे ग रे सा 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 प सा रे रे ग रे सा सा रे ग प प प प प ग रे सा रे ग प सा रे रे ग रे सा 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 ब सा रे रे ग रे सा प प प प ग रे सा रे ग रे सा रे ग रे सा रे। ये फ्लो समझो, है ना, इसी फ्लो में करना। ऐसा नहीं कि गरे सारे, ऐसा नहीं, गरे सारे तारारा, तो वैसे ही फिंगर चलेगी, एकदम नहीं आ पाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा टाइम के साथ। अब दो ऑप्शन दे रहा हूँ, कौन सा अच्छा लग रहा है लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला वाला, या दूसरा वाला, समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम का बहुत बड़ा खेल है, कैसे सुर को लगा रहे हो, कैसे फूंक मार रहे हो, तो इन सब बातों का ध्यान रखो, बांसुरी मीठी बजेगी। अब दोस्तों, एक पीस ऐसा है इसके इंटरल्यूड का, बीच का संगीत का, जो वायलिन पे बजता है, मैंने कवर के अंदर प्ले किया है, सीधे दिल को लगता है, फटाफट से सीख लो वो फ्लूट पे, क्या है, सा नी ध प ग प सा नी प ध प म। ग रे सा रे ग, वापस रिपीट कर रहा हूं, सा नी ध प ग प सा नी, फिंगर्स ऐसे ही चलनी चाहिए, प ध प म ग रे सा रे ग। ग ग ग रे ग सा सा रे सा ध प, ग ग ग रे ग सा रे सा ध प, प प प प प ग रे सा रे ग प सा रे ग रे सा 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 ब सा रे ग रे सा। अब एक छोटी सी टिप है जो मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, जिनका अच्छा प्रैक्टिस है ना, इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए।
पसारे गमरे गसा तररररा, तो इतना मस्त इफेक्ट आएगा। तो कभी कभी ये फ्रेज भी यूज कर सकते हो, पसारे गमरे गसा सा सा पा। और जब भी कभी कभी नोट्स को रिपीट कर रहे हो तो ऐसे पीछे हल्का सा क्लिक कर दो, तो उससे भी अच्छा इफेक्ट आएगा। और फिर मैंने उस कवर के अंदर लास्ट में एक फ्लूट का पीस प्ले किया था जो आप सबको बहुत अच्छा लगा, है ना? तो वो भी सिखा देता हूँ मैं। गपता गप साधा साधा रे ग सा रे ग गप साधा रे ग सा रे ग। अब ये सब एक लगातार फूंक में चलेगा, फूंक काटता मत, नहीं तो इफेक्ट मर जाएगा उसका। अगर आप ऐसे करते हो कि अजीब सा लग रहा है, और ऐसे करते हो कि रे ग सा रे ग ग ग प ध ध सा रे ग सा रे ग रे ध ध सा। ये मैंने वो पीस प्ले किया, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सिंसियरली प्रैक्टिस कर लेना, वेबसाइट पे सबमिट करना, आपका लिंक शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स टैग करते हैं, बिल्कुल आओ मुझे फॉलो करो, फेसबुक पे भी आओ मेरा फेसबुक पेज पे, ठीक है? मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, और जय हिंद और जय भारत।